हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या अभी बताऊं तेरे को बॉक्स? नमस्कार, मैं हूं वाहिद अली खान और मैं फिर आपसे उसी मुद्दे पे बात करूंगा जिस मुद्दे पे मैं पिछली बार आपको छोड़ चुका हूं। जी हां, ये मुद्दा है कि आखिरकार मीडिया का स्तर कितना गिरता जा रहा है और कितना गिरेगा। जी हां, मैं साफ तौर पर ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो आए दिन मीडिया की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। कुछ एंकर्स, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ चैनल्स आपसी रंजिश के कारण, आपसी टीआरपी के लफड़े के कारण वो एक दूसरे के टांग खींचने पर लगे हैं, जिससे पूरा समाज जो है हमारे पत्रकारिता का वो बदनाम हो रहा है। जी हां, आपसे हम बात करेंगे हालिया में हुए एक घटना की। आज तक का रिपोर्टर एक दरवाजे को खटखटाता है, खटखटाने के बाद एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वो सीधा निकलते ही उस रिपोर्टर को गाली बकने लगता है। बात गाली तक नहीं थमती, बात मारपीट पर उतर आती है। वो व्यक्ति एक ड्रग पेडलर का पिता है ऐसा आज तक बता रहा है, लेकिन क्या किसी के घर में जाकर किसी के दरवाजे को ठकठकाना सही है? क्या उसकी प्राइवेसी का ब्रीच नहीं है ये? वो व्यक्ति निकलता है, वो कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में नहीं जानता। उसने आज तक रिपोर्टर को गाली बकना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसको मारा भी। पहली बार मैं अपने इतिहास में ऐसा देख रहा हूं कि किसी रिपोर्टर को किसी व्यक्ति ने इस तरह से गाली गलौज किया हो और मारा हो। 18 से 20 साल की पत्रकारिता में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी पत्रकार को दुर्व्यवहार कर रहा हो पत्रकार के साथ। आज मीडिया का स्तर कहां गिर गया? आज तक और रिपब्लिकन टीवी के झगड़े में पूरे पत्रकारिता शर्मसार हो रही है। आपको हम बता दें कि यह झगड़ा क्यों चल रहा है। आज तक नंबर वन पे था पिछले कई दशक से, रिपब्लिकन टीवी 6 पे था। रिपब्लिकन टीवी को एक मुद्दा मिल गया, सुशांत राजपूत, आज तक कहीं पिछड़ गया और रिपब्लिकन एक नंबर पर चला गया। अब देखिए इसका क्या होता है। रिपब्लिकन और आज तक के बीच के झगड़े की बात करते हैं। रिपब्लिकन एक निकल गया, आज तक नीचे सरक गया। अब आज तक कोई चीज हजम नहीं हो रही। अब आज तक खुशियां आ गया, उसके न्यूज रूम में पागल हो रहे हैं असाइनमेंट वाले, इनपुट वाले, आउटपुट वाले, और समझ में नहीं आ रहा कि रिपब्लिकन आगे कैसे निकल गया। अरे भाई साहब, ये आपके झगड़े में हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हो? बूम लेकर कहीं भी पहुंच जाते हो, आज तक पहुंच गया उसके घर में। चलिए देखते हो वो वीडियो कि किस तरह से बदतमीजी की गई उस रिपोर्टर के साथ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सर आप धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या अभी बताऊं तेरे को बॉक्स? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सर आप धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या अभी बताऊं तेरे को बॉक्स? तो देखा आपने किस तरह से बदतमीजी की गई उस रिपोर्टर के साथ। लेकिन क्या कह सकते हैं, आप किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे और पहुंच जाएंगे उसके घर पर। आप हैं कौन? पुलिस हैं, ईडी हैं, सीबीआई हैं, कौन हैं आप? किसने आपको आधिकारिक अधिकार दिया है कि आप किसी के भी घर में दरवाजा खटखटाते हुए पहुंच जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन के लोग, गाड़ी में कोई बैठा है व्यक्ति, अगर वो आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी है और उसके ऊपर बवाल घेर गए, अरे क्या च्युइंगम चबा रहे हो, अरे कुछ तो बोलो, इस तरह की भाषा का उपयोग कहां से आ गए? ये पत्रकार 20,000 रुपए देके जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद ये पत्रकार बन गए? इनके हाथ में बूम दे दिया गया और कैमरा दे गया और बाहर ऊपर जो असाइनमेंट में बैठे हुए लोग या मालिक जो ठेकेदार बन के बैठे हैं उनको तो पत्रकारिता आती नहीं है। इन रिपोर्टर्स का भी नाम खराब कर रहे हैं, इन बच्चों को भी गलत सिखा रहे हैं। अरे ये कोई तरीका है? आप जहां जाए भड़बड़ करना शुरू कर दें, मीडिया का नाम खराब करना शुरू कर दें, कहां तक चलेगी पत्रकारिता? अर्णब जी, ये अर्णब गोस्वामी सुधर जाओ। अर्णब गोस्वामी तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी मैं बता रहा हूं आपको कि तुम्हारा एचआर वाला तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, जो एचआर का हेड था उसने तुम्हारे खिलाफ एक लंबा चौड़ा मेल लिख दिया गया,
उसने साफ तौर पर यह कहा कि अर्णब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिकन पार्टी अर्णब से शुरू होता है और गोस्वामी में जाके खत्म हो जाता है। यहां पर मैं बोलना चाहूंगा अर्णब कि तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ बिजनेस कर रहे हो। आज तक अर्णब अपनी पुरानी दुश्मनी आज तक से निकाल रहा है, आज तक अपनी पुरानी साख को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे ये कोई दृश्य है? अगर कोई पत्रकार देख ले तो शर्मसार से मर जाए, डूब मरे चुल्लू भर पानी में। आप लोग मीडिया के कई सेक्शन से इसका विरोध हो रहा है, कई वरिष्ठ पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? ये लोग जो 20,000-40,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये चमचागिरी कर रहे हैं अर्णब गोस्वामी की। ये आज तक के रिपोर्टर्स आज तक के अपने आंकड़ों को खुश करने पे लगे हैं और ये कहने कोशिश करने पे लगे हैं कि किस तरह हम वापस टीआरपी पे आ जाए एक नंबर पर। तो ये एक नंबर और दो नंबर की जंग में पूरा पत्रकार समुदाय जो है हमारा हिंदुस्तान का वो बदनाम हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पत्रकारिता का स्तर कहां जा रहा है, गिरता जा रहा है दिन ब दिन, बदनाम होते जा रहे हैं हम लोग। शर्म आती है अब अपने आप को किसी के सामने पत्रकार कहने में। पत्रकारों को इज्जत नहीं मिल रही, धक्का मार के निकाला जा रहा है। अरे रिया चतुर्वेदी के वॉचमैन से लेके दूध वाले से लेके सोसाइटी के सेक्रेटरी से लेके हर एक के यहां बूम घुसेड़ दिया गया, नहीं देना चाहता। वो दीवार से ऐसा चिपका हुआ है कि भाई मुझे नहीं देना इंटरव्यू, लेकिन लगे हुए हैं पीछे। किसी के खिड़की से कैमरा लगा दिया, बोले देखिए ये देख रहे हैं रिपब्लिकन टीवी। अरे ये कोई बदतमीजी है, तो ट्रेसपासिंग है, किस तरह का पत्रकारिता है ये? टीआरपी के जंग में आपने पत्रकारों को निचले स्तर पर ला दिया है। इससे अच्छा ये होगा अर्णब कि किसी मुजरा के डांस बार को खोल ले, तू डांस बार खोल, वहां की लड़कियां ज्यादा इज्जतदार होती हैं तुझसे। क्या कर रहा है? अरे भाई तू इंटरटेनमेंट चैनल चला ले अगर तेरे को न्यूज नहीं चलाना आता। अगर इतनी दौड़ भाग है अपने नंबर वन नंबर टू की तो छोड़ इन सब चो और एक डांस बार डिस्कोथेक चला ले अर्णब, पैसा ज्यादा कमा लेगा तू। तुम और तुम्हारी पत्नी अर्णब दोनों मिलकर पत्रकारों का नाम खराब कर रहे हो। मैं फिर वार्निंग दूंगा तुमको एक बार कि सुधर जाओ अर्णब, सुधर जाओ, जो कि तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अपने साथ साथ अपने उन 20-40 रिपोर्टरों का भी तुम नाम खराब कर रहे हो जो नए नए आए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके ऊपर दबाव दे रहे हो, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि तुमको ये करना होगा। बहुत सारे रिपोर्टर्स को मैं जानता हूं जो ये करना नहीं चाहते, लेकिन बेचारे क्या करें, अगर नहीं करते तो तू उसको नौकरी से निकाल देगा। क्यों ऐसी, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है अर्णब? मत कर। आज तक से भी मेरा एक अनुरोध है इनके एडिटर्स से, आप नंबर वन पर बिना किसी इस तरह के निचले स्तर के पत्रकारिता किए रहे, बदतमीजी की जा रही है, केस कुछ भी हो, क्या ये सही है? ये रिपोर्टर को मारना, धक्का देना, ये गाली बकना, ये सिर्फ उस रिपोर्टर तक नहीं है, आपके जो एडिटर इन चीफ बैठे हुए उन तक है। ये मत होने दीजिए इस तरह की चीजें। पत्रकारिता को एक सीमित जो दायरा है हमारा, उस दायरे में रहने दीजिए। जज बनने की कोशिश मत कीजिए, ना वकील बनने की कोशिश कीजिए, ना इन्वेस्टिगेटर एजेंसी बनने की कोशिश कीजिए। पत्रकार है, पत्रकार की तरह रहिए। पब्लिक को दोनों कॉइन के फेसेस दिखाइए, एक फेस मत दिखाइए प्लीज। शुक्रिया।